अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, यूट्यूब की दुनिया के दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है खराफिया से ठाक होंगे। अभी था इधर ट्यूबवेल चला हुआ एक नया सिस्टम है 240 ट्रैक्टर पर। तो मैं हूँ आपके साथ खान अबरार खान। तो हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 240 ट्रैक्टर है 10 मॉडल, इस पर ट्यूबवेल चला हुआ है। लेकिन मुझे लगता है इसको पता भी नहीं है इस पर ट्यूबवेल चला है। एक नए तरीके से चला हुआ है, एक नए अंदाज से चला हुआ है। ये ट्रैक्टर है, मैं अभी आ रहा था तो मेरे चाचू को चला हुआ था, तो मैंने कहा कि वीडियो बना लेते हैं। इधर से पानी जा रहा है, ओ बंदे पानी लगा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। दो बंदे हैं पानी लगा रहे हैं। ये शाफर लगी हुई है, लोग यार उधर ट्रैक्टर लगा देते हैं। ट्रैक्टर नहीं लगानी चाहिए, ये शाफर लगानी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर को भी आसानी हो जाती है और पंखे को भी। और मतलब कि अभी ट्रैक्टर बहुत स्लो रेस में खड़ा है और बड़ा पानी दे रहा है ट्यूबवेल। कसम से मज़ा आ गया है। मैंने कहा कि व्लॉग भी बना लेते हैं, आप दोस्तों को भी शेयर कर देते हैं, देख सकते हैं। अभी पानी चेक करते हैं, पता नहीं मीठा है कि कड़वा है। पानी गुजारे लायक है, ना ज़्यादा मीठा है ना कड़वा है। इधर से खाल जा रही है, चल रही है शाफट। अभी ट्रैक्टर का व्यू रिव्यू आपको चेक कराता हूँ। लोक नहीं डाली हुई इसलिए पानी कम दे रहा है। मीटर टेस्ट कर चलता नहीं है। मीटर अगर चलता होता तो आपको दिखाता कि कितनी रेस में चला है। ये पानी है, मेरे ख्याल में जनरेटर लीक था, रखना ठीक हो गया है। यार ट्रैक्टर पर अगर ट्यूबवेल चलाएं तो पानी बहुत अच्छा देते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा पानी देते हैं। ये फाइनल रिव्यू मैं आपको चेक कराता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा धूं भी लग रहा है, लेकिन ट्रैक्टर बहुत मज़े से खड़ा है, बोझ ज़रा भी नहीं है, ज़रा सा भी बोझ नहीं है, बहुत मज़े से चल रहा है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम बैक हो के दोस्तों, उधर ट्यूबवेल पर गए थे, आपको दिखाया है, मतलब बहुत मज़े का सीन है माशाल्लाह। और अभी इधर आया हूँ अपनी फसल में, ये कुछ कटाई हो गई है, लोग मैंने किया है। ये इधर दरख्त हैं, ये कुछ खड़े हैं, दो क्यारी, एक मेरी है, एक और बंदे की, उधर दूसरी तरफ है वो एक और बंदे की है। तो कटाई कर रहे हैं इंशाल्लाह, जल्द गंदम ही मतलब बिजाई करनी है गंदम की भी। इसको उठाकर बैर खाली ज़मीन में फेंक रहा है और फिर गंदम की बिजाई करनी है इंशाल्लाह। वो आपको दिखाते रहेंगे जब बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, कौन सी डाल रहे हैं आप, कौन सी डालें, मशवरा भी देंगे इंशाल्लाह। अभी हो तो बहुत बाद में रही है और इंशाल्लाह अच्छी अवस्था आएगी। यार हम लोग मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक अच्छा फल देगा इंशाल्लाह। ये तूड़ी है जिसे भूसा बोलते हैं, ये छोटी छोटी रिंडियां हैं, ये छोटी छोटी रिंडियां, और ये फसल को बड़ा ख़राब करते हैं। ये देख, ये कटाई हो गई है, ये तूड़ी पड़ी है इधर, वो चेक कराता हूँ। ये तूड़ी है, इसको भी उठाकर घर इंशाल्लाह ले जाना है। और मतलब आपको ट्रैक्टर अच्छा लगा होगा, पानी ठीक दे रहा था गुजार ले, क्योंकि उसका नीचे वाला पंखा ख़राब था। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल खान अबरार खान को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम भी कामयाब हो सकें। यार आपकी बहुत बहुत कमाल मेहरबानी होगी।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। ये जिससे हम चिब्बड़ बोलते हैं पंजाबी में, रिंडी की तरह होती है, तरबूज खरबूजे की तरह होती है। अंदर से आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर से बीज निकलते हैं। ये देख, बंदा खाए तो नुकसान नहीं है लेकिन कहानी नहीं चाहिए, ख़राब कर जाएगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है, थैंक यू होगा, अल्लाह हाफिज़।